हेलो जी। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो हम लोग आ चुके हैं मॉड्यूल 10 के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा AWS बैकअप। तो हम बात करेंगे कि क्या होता है AWS बैकअप एंड कैसे करते हैं AWS बैकअप, उसका डेमो भी देखेंगे और मैं दो सर्विस का डेमो लेके दिखाऊंगा आपको, S3 और DynamoDB, दोनों का डेमो लेके देखेंगे हम और मजा आएगा बहुत। ठीक है, चलते हैं और शुरू करते हैं मैं आज का टॉपिक AWS बैकअप। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं AWS बैकअप की। तो AWS बैकअप एक सर्विस है जो कि एक सेंट्रलाइज सर्विस होती है बेसिकली, और जो कि सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये क्या करेगी, जो आपके जो भी आपने जो भी चीजें यूज कर रखी है AWS के अंदर, उन सब का ये बैकअप ले लेगी ऑटोमेट करके। मतलब आपको बार बार जाके मैनुअल बैकअप नहीं लेना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे और इसके क्या चीजें होती है, देखो ये आपको प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट फुल्ली मैनेज सर्विस, पॉलिसी बेस्ड सर्विस है क्योंकि अब पॉलिसी बेस्ड हम एक IAM रोल भी लगेगा। ठीक है, दैट सिंप्लीफाइड डेटा प्रोडक्शन एट स्केल। AWS बैकअप ऑल्सो असिस्ट यू मीटिंग रेगुलरिटी कंप्लायंस एंड बिजनेस डेटा प्रोडक्शन पॉलिसीज। मतलब अगर आप इनको अटैच करते हो अदर पॉलिसीज के साथ, मतलब अदर कंपनी के साथ अगर आप अपने आपको अटैच करते हो, तो भी आपका एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन है, प्रोटेक्शन आपको मिलेगी इसमें। बात करते हैं एडवांटेजेस की। मैनेज बैकअप सेंट्रली, सेंट्रली सारे बैकअप मैनेज करेगा एक ही जगह पे, DynamoDB का बैकअप भी वहीं आ जाएगा, S3 का भी, सबका वहीं आ जाएगा। ठीक है, सो बैकअप प्रोसीजर शुड बी ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड होना चाहिए एंड इंक्रीज बैकअप कंप्लायंस। अब बैकअप को इंक्रीज भी कर सकते हो, तो मैंने आप पे डेमो दिखाने वाला हूं और डेमो में हम लोग यूज करने वाले हैं डेमो ऑफ DynamoDB एंड S3 बकेट। तो ये नोट जो है मैंने लिखे हुए हैं, अब मैंने सिर्फ टू द पॉइंट चीजें लिखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने भर भर के नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैंने जितनी सीरीज में टॉपिक्स कवर किए उन सबके मैंने नोट्स ऐसे बना रखे हैं, टू द पॉइंट आपको थ्योरी मिलेगी एंड उसका डेमो के जो मैं दिखाने वाला हूं उसके सारे स्टेप भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो जो जो मैं चीजें करूंगा वो आपको इस नोट्स में मिलेंगे, तो आप जाके आराम से बाय कर सकते हो। वो नोट्स जो बाय करोगे आप, वो सिर्फ एक टॉपिक के नहीं होंगे, फुल AWS के नोट्स होंगे, तो उसमें आपको मिलेगा पूरा पूरा PDF मेरा हैंड रिटन विद ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी मैंने इस सीरीज में कवर किया है वो। ठीक है, ये मत मेरे से पूछना कि कौन कौन टॉपिक कवर है, जो मैंने सीरीज में कवर किए वो सारे टॉपिक्स उस नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, सो चलते हैं और शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और हाँ, जो नोट्स है वो आपको बाय करने होंगे तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आपको पूरे नोट्स एक जगह मिल जाएंगे और थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी, मैं कोई फीस चार्ज नहीं करता हूँ। सो एज अ नोट्स में मैं वो उस चीज को मैंने चार्ज रखा हुआ है, तो बहुत माइन्यूट सा चार्जिंग है, तो बहुत हैवी मैंने कोई हजारों में नहीं रखा हुआ। ठीक है, कोई 10-12 हजार कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसको। और चलते हैं शुरू करते हैं अपना डेमो। तो डेमो शुरू करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होंगी, एक जो होगा S3 बकेट, एक डायनेमो डीवी और एक हमें IAM रोल चाहिए होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहले डुप्लीकेट कर लेता हूं मैं, सॉरी ये हो गया पिन, अनपिन कर लेता हूं इसको, डुप्लीकेट कर देंगे इसको एंड एक और डुप्लीकेट कर देंगे। तो हमें तीन चीजें चाहिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए देखो, एक हमें चाहिए IAM रोल, ठीक है, एक हमें चाहिए S3 बकेट, तो मैं यहां S3 ओपन कर लेता हूं, ठीक, और एक हमें चाहिए डायनेमो डीवी। तो हम तीनों चीजों को फटाफट तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब बैकअप में इसके 1 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। ठीक, तो हम उस टाइम से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, उस टाइम से बचने के लिए मैंने ऑलरेडी एक देखो डेमो नाम का मैंने चीजें क्रिएट कर रखी है। ठीक है, जस्ट फॉर आपको बताने के लिए, डेमो 1 नाम से है, हम करेंगे डेमो 02 नाम से, कोई स्टेप मिस नहीं करूंगा, आप ये मत सोचना कि पहले से मैंने कुछ किया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले हम शुरू करने के लिए सबसे पहले चलते हैं S3 पे। तो पहले मैं बनाऊंगा S3, फिर बनाऊंगा DynamoDB एंड फिर बनाऊंगा हम ये बनाएंगे अपन IAM रोल। ठीक है, सो ये कुछ नया फीचर्स में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है, सक्सेसर टू AWS सिंगल साइन ऑन। ठीक है, सो आप ये एक नई सर्विस आई है, इसको हम बाद में समझेंगे, AWS ने अभी भी प्रोवाइड कराई है। ठीक है, सो हम आते हैं S3 बकेट पे। देखो अभी AWS बैकअप बकेट नाम से एक ऑलरेडी मेरे पास बकेट पड़ी हुई है, मैं करता हूँ क्रिएट बकेट पे क्लिक और यूज करूंगा और यहाँ रखूंगा demo-02, ये 02 नाम से मेरा नया बैकअप है। ठीक है, सो मैंने पहले बनाता हूँ S3 बकेट और मैं यहाँ करता हूँ इसको इनेबल, बकेट ओनरशिप को रखेंगे, इसे कर दूंगा पब्लिक एक्सेस ऑफ, और आपको ध्यान रखना है कि बकेट वर्जनिंग जो है वो इनेबल रहनी चाहिए, बकेट वर्जनिंग इनेबल रहनी चाहिए। ठीक है, और मैं सिंपली कर दूंगा क्रिएट बकेट पे क्लिक, अब बकेट क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, अब बकेट देखो demo-02 नाम से है, जो भी डेमो करूंगा सब 02 नाम से रहेगा। ठीक है, इस ये डेमो स्पेसिफिकली, इस पे अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड यहां मैं कर दूंगा एक फाइल अपलोड, जो कि कोई भी सिंपल सी फाइल है, मैंने टेस्ट फाइल डाल दी इसमें क्रेडेंशियल्स नाम की एंड कर दिया मैंने इसको अपलोड। ठीक है, सो अभी मेरी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी, सीरियस हो चुकी है अपलोड। ठीक है, मतलब मेरा बकेट जो है वो रेडी है, राइट। बकेट का नाम क्या है, AWS बैकअप बकेट demo-02 नाम से। ठीक है, अंदर गए तो एक फाइल हमारी पड़ी हुई है। ठीक, ये हमारा रेडी हो गया बकेट। आते हैं हम DynamoDB के अंदर, DynamoDB के जैसे अंदर आप यहाँ पे आओगे आपको एक टेबल ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाके आप सिंपली कर सकते हो क्रिएट टेबल। तो मैंने 01 नाम से बना रखा है ऑलरेडी टेबल, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल का नाम दे दूंगा मैं demo-02 नाम से, उसका टेबल का नाम पार्सिंग की बात करूंगा तो मैं दे दूंगा एक EMP
ऐसे करता हूँ मैं, एएमपी आईडी दे देता हूँ, ठीक है। सो ये आपको एक पार्टीशन की देनी होती है नॉर्मल, बाकी मैं रखूंगा डिफॉल्ट सेटिंग। डायनेमो डीबी के टॉपिक पे मैंने आपको समझाया था क्या होता है डायनेमो डीबी, ठीक है। सो मैं इसको डिफॉल्ट रख के जाऊंगा एंड करूंगा क्रिएट टेबल, क्योंकि हमारा मेन फोकस किस पे है, बैकअप पे, डायनेमो डीबी हमारा टॉपिक नहीं है, आई गेस आप सबको पता होगा, ठीक है। सो मेरा 02 है जो बन गया, ठीक है। आप देख सकते हो 02 मेरा बन चुका है, बट इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक चीज पड़ी है इसके अंदर। अगर मैं करता हूँ 02 नाम से और इसे करता हूँ एक्सप्लोर टेबल आइटम, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, नो आइटम्स। इसको मैं करता हूँ सिंपली क्रिएट आइटम पे क्लिक, एम्प्लॉय आईडी में डाल देता हूँ 101, ठीक है। और इसमें ऐड करता हूँ एट्रीब्यूट, एक स्ट्रिंग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका मैं नाम डाल देता हूँ सपोज टॉम, ठीक है। एंड मैं करता हूँ क्रिएट आइटम पे क्लिक, और एक और इसमें ऐड कर लेता हूँ मैं क्रिएट आइटम, एम्प्लॉय आईडी 102, ठीक है। एड न्यू एट्रीब्यूट और स्ट्रिंग, इसका नाम डाल देता हूं जेरी, ठीक है। सो मैंने दो आइटम्स में क्रिएट कर लिया आपके सामने, ये देखो टॉम एंड जेरी, ठीक है। ये मेरा टेबल बन गया, बैकअप मेरा रेडी है, मतलब बैकअप सॉरी, ये मेरा जो डायनेमो डीबी टेबल है मेरा वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखो, अब मैं ये दो चीजें रेडी है मेरी, अब मैं डायनेमो डीबी पे आता हूँ, टेबल पे आता हूँ। सो मेरा ये टेबल रेडी है और मेरी बकेट रेडी है, ठीक है। अब मेरी बारी आती है आईएम रोल्स की, तो मैं रोल के अंदर जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ करेंगे हम क्रिएट रोल, ठीक है। और AWS सर्विस हमें चाहिए क्योंकि हम AWS सर्विस यूज कर रहे हैं, और यहां पे रखना है मुझे किसको, AWS बैकअप को, मैं AWS बैकअप लिखूंगा यहाँ पे, ये याद आएगा AWS बैकअप, ठीक है। यहां करके आपको सिंपली करना है इस पे सेलेक्ट एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस देना होगा, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, ठीक है। सो मैं यहां देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, को मैं सिंपली क्लिक करूंगा और नीचे आएंगे एंड कर दूंगा नेक्स्ट पे क्लिक। आपको रोल देना है तो मैं इसका रोल का नाम देता हूं रोल फॉर बैकअप, क्या बैकअप करना है, S3 एंड डायनेमो डीबी 02। ये 02 अगर मान लो सेम मिलता हुआ नाम मैंने बनाया हुआ पहले, तो आपको दिख जाएगा 02 नाम से, ठीक है। एंड मैं सिंपली क्लिक करने वाला हूं यहां पे क्रिएट रोल, एंड देखो रोल मेरा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो मेरा रोल भी हो चुका है क्रिएट। तो यहां तक मैंने तीनों चीजें रेडी कर ली। अब मैं करता हूं उसको डुप्लीकेट एंड अब हम चलेंगे AWS बैकअप के अंदर, ठीक है। सो क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं आपके लिए, मतलब बना दी हैं आपके साथ मिल करके। अब हम चलेंगे AWS बैकअप के अंदर, और यहां आने के बाद आप देखोगे यहां पे आपको चाहिए सबसे पहले एक बैकअप वॉल्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सो हम पहले बैकअप वॉल्ड एनेबल करने से पहले हम चेक कर लेंगे सेटिंग्स पे एक बार। सेटिंग्स में जाके मुझे चेक करना है कि जो मेरी सर्विसेज हैं, ये रिसोर्स टाइप के अंदर सर्विसेज, मेरी S3 जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपको यहाँ नहीं दिखते हैं वो नाम, ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ कॉन्फिगर कर देना है, एंड यहाँ पे आपको डायनेमिक डीबी पे जाके ऑन कर लेना है। आप इसको ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको S3 भी चेक कर लेना है, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना है एंड आपकी वो सर्विस ऑन हो जाएगी, ठीक है। आप इसे कुछ इनेबल कर सकते हो, देखो ये क्रॉस रेप्लिकेशन जो है वो इनेबल ऑलरेडी है, इसको आप डिसेबल कर सकते हो। और आप अलग चीजें भी, अगर आपको ये क्रॉस अकाउंटिंग या क्रॉस अकाउंट बैकअप, यानी अलग अलग रीजन में आपको बैकअप लेना है, तो आप उसको भी टर्न ऑन यहां से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो ये तो बात की बातें हो गई है। फिलहाल हम चलेंगे सबसे पहले चलेंगे अपने बैकअप वॉल्ट पे। अब ये देखो मैंने एक बैकअप वॉल्ट ऑलरेडी क्रिएट किया था आपसे पहले, क्यों किया था मैं बताऊंगा आपको क्यों, ठीक है। और मैं करता हूँ क्रिएट बैकअप वॉल्ट पे क्लिक एंड यहाँ नाम डालूंगा और यहाँ डालूंगा 02, ठीक है। और KMSK की बात करूंगा तो हम ये बाय डिफॉल्ट यूज करने वाले हैं, जो हमें केस ऑलरेडी मिलती है बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी, कुछ आपको करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैं कर दूंगा क्रिएट बैकअप वॉल्ट पे क्लिक। आप देख सकते हो कि ये मेरा बैकअप वॉल्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। या तो आप जैसे करो क्रिएट पे, आपको डायरेक्टली बोलेगा रिकवरी पॉइंट पे, ठीक है। अगर नहीं लाता है आपको रिकवरी पॉइंट पे, तो फिलहाल आपका वॉल्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब वॉल्ट के बाद मुझे जाना है बैकअप प्लान्स के अंदर, ठीक है। अब मैंने यहां देखो बैकअप प्लान जो बना रखा है डेमो 1 नाम से, बट हम बनाने वाले हैं यहाँ पे बिल्ड न्यू प्लान। बैकअप प्लान का नेम डाल दूंगा मैं डेमो 1 की जगह डेमो 2 डाल दूंगा, और यहां कर दूंगा बैकअप रूल 02, ठीक है। और बैकअप वॉल्ड का डिफॉल्ट रखेंगे अपन, बैकअप फ्रीक्वेंसी भी रखूंगा डेली। और जो बैकअप विंडो है, अगर मैं आपसे बोलूं अभी टाइम क्या हो रहा है, तो 1:38 आपको दिखा रहा है, ठीक है, 1:38 PM, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं यूज करने वाला हूं 1:38 की जगह मैं कर दूंगा 42, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि 4 मिनट में मेरा टाइम, मतलब 43 चलो कर लेते हैं, ठीक है। सो 1:43 पे मेरा बैकअप स्टार्ट करेगा ये 1 घंटे के अंदर, मिनिमम टाइम ले रहा हूं, और 2 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर मेरा बैकअप रेडी हो जाएगा,
ठीक है, फिलहाल यहाँ कोई जरूरत है नहीं मुझे रिटेंट से, मैं एक दिन रख सकता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो। अगर आप डेस्टिनेशन वाला करते हैं क्रॉस रीजन, तो आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन देना पड़ता कि कहाँ पे आपको बैकअप देना है, बट हमें नहीं करना है तो इसको हम कुछ छेड़ेंगे नहीं। आप सिंपली करूंगा क्रिएट प्लान पे क्लिक, जैसे करूँगा क्रिएट प्लान पे क्लिक, आप यहाँ आ जाओगे डायरेक्टली असाइन रिसोर्सेज के अंदर। अगर आप यहाँ नहीं आते हो या कैसे करके आपने मान लो यहाँ कैंसिल कर दिया, ठीक है, सो आप जैसे यहाँ पे आओगे प्लान के अंदर, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा रोल रिसोर्स असाइनमेंट का, यहाँ मिलेगा असाइन रिसोर्सेज का ऑप्शन, यहाँ आप क्लिक करोगे असाइन रिसोर्सेज एंड यहां डाल दोगे आप माई रिसोर्सेस 02, ठीक है, और आई एम रोल जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वो मैं यहां कर लूंगा अटैच, ठीक है। सो मैं यहां करने वाला हूं रोल फॉर, आपको मिलेगा देखो AWS बैकअप डेमो 1 था ना, लेकिन हमने क्या बनाया था 02 वाला, है ना, बैकअप ऑफ S3 एंड DynamoDB 02, तो मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट यहां पे। एंड स्पेसिफिक सर्विस की बात करेंगे हम, तो मुझे क्या क्या चाहिए, डायनेमो डीबी का बैकअप लेना है और S3 का बैकअप लेना है, ठीक है। सो मैंने कर लिया सेलेक्ट, अब ऑल टेबल्स का लेना है क्योंकि मेरे पास दो टेबल बने हुए हैं, बट नहीं मुझे सिर्फ 2 का लेना है, ठीक है, तो आप इसको यहां से ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, अब बकेट भी सारी नहीं रहेंगी, सिर्फ 2 वाली बकेट का लेना है मुझे, ठीक है। सो यहाँ आपको कुछ एक्सक्लूड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हमें जो इंक्लूड करना था वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। एंड मैं सिंपली करूंगा यहाँ पे इसको आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टैग दे देता हूँ। ओके आप टैग यहाँ दे सकते हो कंडीशन के साथ, बट अभी मुझे फिलहाल नहीं देता हूँ, चलो असाइन करते हैं रिसोर्सेज, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड कर देंगे असाइन रिसोर्सेज पे क्लिक, तो आपके रिसोर्सेज जो है वो हो जाएंगे यहाँ पे असाइन, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, आपका बैकअप जो है वो मैंने बना दिया है, आपका बैकअप जो बन भी चुका है, ठीक है, आपको मिलेगा कहाँ पे, वो आपको मिलेगा जॉब से जाकर के। बट अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, अगर मैं रिफ्रेश करूं 141, ठीक है, और बैकअप मैंने क्या रखा हुआ है टाइमिंग इसका, देखो माई बैकअप 01 नाम से प्लान हो गया है क्या, ओके सो बैकअप रूल तो 2 नाम से है ही है, ये 01 नाम से हो गया, खैर आप लोग समझ जाओ इसका नाम 01 हो गया गलती से, ठीक है। सो ये 02 वाला है क्योंकि ये अभी भी बना है, ठीक है, देखो 139 पे बना है, अभी टाइम क्या हो रहा है 141 हो रहा है, ठीक है। बट जो देखने वाली चीज है वो ये है कि इसका जो हमारा बैकअप वॉल्ट पे अगर हम जाएं, ठीक है, और वॉल्ट हम 02 के अंदर जाएंगे जब, सॉरी एक सेकेंड, बैकअप प्लान पे गए और ये मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है क्योंकि मैंने पहले क्रिएट किया था, तो इस पे हम जाएंगे और आपको देखने को मिलेगा रूल का ऑप्शन, रूल पे जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1:43 PM, ठीक है, 1:43 PM यानी अभी दोपहर के 1:43, तो यहाँ 141 हो गया एंड आई गेस 1:42 भी हो गया होगा, तो 1:43 से लेके अगले 1 घंटे के अंदर ये कभी भी बैकअप फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब इस वजह से क्योंकि ये अगले 1 घंटे के अंदर फॉर्म करने वाला है, तो मैंने आपके लिए वॉल्ट के अंदर ऑलरेडी बैकअप दिखा दिया था कि जब आप बैकअप बना लोगे, ठीक है, तो आपका बैकअप कहाँ कैसे शो करेगा, तो आप बैकअप अपने जॉब से जाओगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगा कंप्लीट लिखा हुआ, ठीक है। अब आपको जो देखना है कि अभी जॉब पे जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। अब जो मैंने बनाया था पिछले वाला देखो 12:20:48 पे बन गया था ये, ठीक है, थोड़े 1 घंटे पहले, तो मैंने इसको बनाया था यहाँ पे आपको S3 और डायनेमो डीबी दोनों का मैंने बैकअप लेके दिखाया था, जब आपका यहाँ पे 1 घंटे के अंदर, अब जैसे 1:43 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ देखो, ओके सो अभी 1:43 नहीं हुआ है, ठीक है, 1:43 के बाद वो किसी भी टाइम यहाँ पे आपके बैकअप बना सकता है, ठीक। अब बैकअप बनने के बाद वो दोनों चीजें आपको एज इट इज देखने को मिल, जैसे ये देखने को मिल रही है, बस ये नंबर डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। अब समझ लो आप एक तरीके से कि आपका वो बैकअप जो है वो बन के यहाँ पे आ गया, उसके बाद अगला ऑप्शन यही है, कुछ नहीं करना, जो तो मैंने आपको दिखा दिया ना वो सब वही रहेगा, एंड सिंपली आपको यहाँ पे रीलोड करना होगा, एंड वो अगले 1 घंटे के अंदर, जैसे कि 1:43 यहाँ पे आ चुका है, अब वो अगले 1 घंटे के अंदर बैकअप कभी भी फॉर्म कर देगा एंड वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे आपको दो बैकअप देखने को मिलेंगे, एक होगा आपका S3 बकेट का, लाइक ये जो आपके S3 बकेट का, एक होगा डायनेमो डीबी का, ठीक है। सो यहां तक आप आ गए समझ लेना, ठीक, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, आपको टाइम लगेगा, मैं आपको इसलिए पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको यहां से बैकअप कैसे लेते हैं, यहां पे आप सिंपली बैकअप लेते हो, अब यहाँ इतना ही गेम था टोटल, यहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, और आपको यहां से जाना है, आप बेसिकली कुछ थोड़ा एक्सप्लोर की बात कर लूँ अगर, तो यहाँ से आप इन चीजों को देख सकते हो, आप कितना यहाँ पे रोज देख सकते हो, ठीक है, और रिपोर्ट कर सकते हो, आपको कितना देखना है, लास्ट 7 डेज देखना है, अब वो चेकआउट कर सकते हो इसमें, अगर कोई बैकअप्स बने हैं मेरे तो ये EFS डेमो के मेरे बैकअप बने हैं फिलहाल, ठीक है, ये सब कंप्लीटेड है, इनको भी हम हटा देंगे, और बाकी 24 आवर की बात करूं तो ये सिर्फ 2 बैकअप हैं हमारे पास, ठीक है। बात करता हूँ रिस्टोर जॉब की, तो हमने कोई रिस्टोर जॉब अभी यहाँ पे क्रिएट नहीं करी हुई है, ठीक है, बात करेंगे हम बैकअप्स की, तो मैं बैकअप पे आ जाता हूँ एंड हम आ जाते हैं इसके अंदर, बैकअप के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, एंड जैसे ही हम आ जाएंगे बैकअप के अंदर,
जॉब्स पे आ जाएंगे अपन और हम इसके अंदर जाते हैं। सपोज करो ये हमारा S3 का है, इस मैंने क्लिक किया, ठीक। इसके अंदर आने के बाद आपको इसके सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये रिकवरी पॉइंट है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे, आप आ जाओगे रिकवरी के अंदर। अब जैसे रिकवरी पॉइंट के अंदर आओगे, यहां से आप सिंपली क्लिक कर सकते हो रीस्टोर पे। जैसे आप करोगे रीस्टोर पे क्लिक, ये आपको सारा ऑप्शन दे देगा कहाँ आपको रिस्टोर करना है, पूरा बकेट करना है, क्या क्या चीजें हैं, एंड आप सिंपली करोगे रिस्टोर बैकअप पे और वो आपके ऑलरेडी बैकअप जो है वो आ जाएगी आपके बैकअप के अंदर। वो अगर डिलीट हो गई होगी तो यहाँ करोगे आप रिस्टोर और वो वापस से आपके आ जाएगी, ठीक है। सेम चीज आप कर सकते हो अपने दिस डेमो के लिए, डायनेमो डीबी के लिए। आप डायनेमो डीबी पर क्लिक करोगे, आप आ जाओगे अंदर एंड आपको यहां से रिस्टोर। आप कहां से आए हम देख लो एक बार वापस से, हम अपने आ गए डैशबोर्ड पे। आपको जाना है बैकअप वॉल्ट के अंदर। वॉल्ट के अंदर आने के बाद अभी देखो यहाँ पे रिकवरी पॉइंट यहाँ 2 दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है 0, तो यहाँ पे कोई रिकवरी पॉइंट अभी नहीं है क्योंकि अभी ये जॉब्स में नहीं आया है, ठीक है। देखो अभी 2 ही जॉब्स हैं इसमें ना, कर रहा हूँ रिफ्रेश, बट अभी नहीं आया क्योंकि वो अगले 1 घंटे में कभी भी आ सकता है। अब बैकअप प्लान की बात करता हूँ तो मैं, वॉल्ट की। वॉल्ट आने के बाद 0-1 पे मेरे 2 आ गए, तो आपके यहाँ पे 2 दिखाई देंगे, ठीक है। 0-2 वाले पे आपको क्लिक करोगे इसके अंदर एंड आपको मिलेगा ये वॉल्ट ARN। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो या फिर आपके पास रिकवरी पॉइंट्स हैं जहां से आपको रिकवरी करनी है, ठीक है। तो ये सब मेरा बकेट का है और ये वाला मेरा डायनेमो डीबी का, ठीक। इस पर आप क्लिक करोगे एंड आपको यहां से करना है ऑप्शन रिस्टोर। आप सिंपली रिस्टोर करोगे, आपके जो अपने नाम देने हैं आप उसके नाम से अपना सब कुछ चीजें करनी है आपको चूज। आप IAM रोल चूज कर सकते हो यहाँ पे, जो आपको लगाना है वो लगा लो, ठीक है, एंड करोगे रिस्टोर, वो वहां से हो जाएगा रीस्टोर, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और सिर्फ आपके लिए ये चीजें यहाँ बना के रखी थी बैकअप 01 नाम से, डेमो 01 नाम से, ताकि ये 1 घंटे का जो टाइम स्लैब है ना वो नहीं मुझे आपको वेट करवाना था, ठीक है। मतलब आपको तो वेट करना पड़ता, मुझे भी वेट करना पड़ता यहां तक पहुंचने के लिए, बट चीज सारी सेम है। जैसे आपका हो जाएगा आपको जॉब्स पे आके दिखेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, जब आपके जॉब्स पे आपको दोनों चीजें यहाँ दिखेंगी, थोड़ा आगे बढ़ोगे आपको दिखेगा रिसोर्स टाइप में S3 और डायनेमो डीबी, और जब आप वॉल्ट में जाओगे तो आपको रिकवरी पॉइंट यहाँ पे दिखाएंगे 2। इट मीन्स कि आपका वो डेमो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, टू चेक आउट द नोट्स एंड पे द चार्जेस एंड गेट योर नोट्स। बाय।